यहाँ पे हमारे पास होने वाला है खाडू श्याम जी का फोटो, जिसकी आप गाइस ये देख सकते हो, खाडू श्याम जी का फोटो है और चमकी में गाइस इसमें ब्रांडिंग है। और गाइस इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं फूल, जो कि गाइस आपको फूल दिखाता हूँ। तो गाइस फूल होने वाला है कुछ ये, कुछ गाइस इस तरीके का फूल होने वाला है, रंग बिरंगे, जो कि हम इसके ऊपर फूल लगाने वाले हैं। और बाकी गाइस इसका हम लाइट में फ्रेम बनाने वाले हैं, जो कि हम इसमें लाइट भी लगाएंगे, लाइट भी बहुत बढ़िया लगाने वाले हैं। बात करते हैं इसके फ्रेम की, तो गाइस ये होने वाली है इसकी मोल्डिंग, जो कि हम इस फ्रेम के अंदर यूज करने वाले हैं मोल्डिंग। वो मोल्डिंग गाइस ये होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस फटाफट से इस मोल्डिंग को जोड़ते हैं और इसका फ्रेम वगैरह हम आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं गाइस किस तरीके से हम इसको सेटअप करेंगे और फूल वगैरह भी सब इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे लगा किस तरीके से हम इसमें फूल लगाते हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी हम फ्रेम से रिलेटेड वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आप फ्रेम हमसे बनवा सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो के हम आपको नंबर दे देंगे, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको कोई फ्रेम बनाना हो तो फ्रेम बनवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर होने वाला ये फ्रेम जो कि खाडू श्याम जी का होने वाला है गाइस। और गाइस एक फ्रेम ये होने वाला है, जो कि होने वाला लकड़ी का ठोका हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ से हमने इसमें पिन लगा रखी है और ये फंटी ठोक रखी है इसमें 1.5 इंच की। अब गाइस जो है इस फ्रेम को जो है हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और इसके बाद इसके अंदर फोटो वोटो वगैरह सेट होगा। तो सबसे पहले हमको इसको ही सेट करना होगा। तो गाइस इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हमको फोटो इसके अंदर लगाना होगा कुछ इस तरीके से। तो इस कुछ इस तरीके से इसमें फ़ोटो लगाने वाले हैं हम, और ये यहाँ लगाने वाले हैं। और गाइस इस फ्रेम में लाइट भी लगाने वाले हैं, जो कि लाइट होने वाली है गाइस। यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगी, तो गाइस ये लाइट होने वाली है इस फ्रेम की, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइट होने वाली है। मैं आपको एक बार जला के दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो लाइट कुछ इस तरीके से जलेगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से लाइट जलने वाली है पूरी। इसके अंदर हम 1 मीटर की लाइट लगाने वाले हैं। बाकी लाइट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की है, तो इसको निकालते हैं और गाइस लाइट को 1 मीटर काट लेते हैं, जो कि हम इस फ्रेम में लगाने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लाइट ही लगाएंगे, इसके बाद बाकी सेटिंग करेंगे। तो गाइस जो है 2 मीटर काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए हमको 1 मीटर इसमें लाइट लगानी है गाइस। तो गाइस यहाँ से ये 1 मीटर है जोड़ है, ये जोड़ पे से हमें बिल्कुल काट लेनी होगी कुछ इस तरीके से गाइस, मैंने काट ली है। बाकी ये लाइट बची है गाइस, ये और फिर हमें लग जाएगी, इसको हटाते हैं। तो गाइस अब हो चुकी है 1 मीटर की लाइट, जो कि आप देखते हो, एक बार वो जला के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से इसमें फ्रेम में ये लाइट यहाँ को लगने वाली है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइट लगेगी। तो गाइस चलिए लाइट लगाते हैं, ऐसी लाइट लगा देते हैं गाइस, जलते हुए पे ही हम लाइट आपको लगा के दिखा देते हैं। तो पहले एक बार इसको नाप लेता हूँ कहाँ से लगानी है मुझे। तो गाइस यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइट लगाने वाले हैं। तो गाइस इधर से लाइट लगाने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ से होने वाली है। तो गाइस ये ग्लूगन मशीन है, इससे जो है पकड़ इसकी बहुत बढ़िया बनेगी। तो आप कोई भी चीज़ लगाओ तो ये ग्लूगन मशीन का जरूर यूज़ करना है, ये ग्लूगन मशीन की पकड़ बहुत बढ़िया होती है। तो इस पूरी लाइट पर ग्लूगन मशीन लगाने ही वाले हैं। गाइस यहाँ लाइट आप देख सकते हो, फ्रेम में लाइट लग चुकी है, लाइट को करते हैं बंद। तो गाइस लाइट हो चुकी है बंद, अब बाकी नीचे एरिया में फूल लगाना है, तो थोड़ा फोटो को ऊपर करके और नीचे की साइड में जगह देके तब मैं इसको चिपका रहा हूँ कुछ इस तरीके से।
बस गाइस गाइस कितना फ्रेम ओके हो चुका है। तो गाइस अब बारी है इसमें फूल की बारी। तो गाइस यहाँ देख सकते हो ये होने वाला है गाइस हमारे पास बहुत सारे फूल जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से गाइस फूल होने वाले हैं और ये बहुत सारे गाइस फूल हमारे पास होने वाले हैं क्वान्टिटी में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो गाइस। तो गाइस एक एक करके इन फूलों को लगाते हैं। पहले गाइस हमको एक से फूल निकालने होंगे इसमें। तो गाइस कुछ लाल कलर के फूल हम इस तरीके के हम निकाल लेते हैं इसमें से। जितने भी लाल फूल हैं इन गाइस इन सबको नीचे लगाने वाले हैं। वही सफ़ेद फूल कुछ हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। ये दो सफ़ेद फूल हमने यहाँ कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं सर भी गाइस इसी तरीके से दो फूल सफ़ेद लगा देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये हो चुका है फोटो कंप्लीट फूल बिल्कुल कंप्लीट इस तरीके से हम लगा रखे हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे गाइस। यहाँ कोनों पर देख सकते हो अलग अलग के कोने पर फूल लगाया पेंटिंग में। अब गाइस इसको रखते हैं साइड में चलते हैं इसके फ्रेम की तरफ। तो गाइस इसको रख देते हैं इधर को और इसका फ्रेम जो होने वाला है वो होने वाला है जैसे कि आप इसमें सबसे पहले हम शीशा लगाना होगा। तो ये आ गया इसका शीशा जो कि फ्रेम में लगाने वाला है। तो शीशा भी बड़ा है तो शीशे को इसको काट लेते हैं। तो गाइस इस चीज़ को काट लेते हैं यहाँ से ही ये चीज़ कटेगा और ये किधर से कटेगा टूट जाएगा काम खत्म हो जाएगा। तो वह शीशा कट के कंप्लीट हो चुका है जैसे कि अब देख सकते हो शीशा हमने काट दिया है और शीशा भी साफ कर दिया है देख सकते हो इधर से भी उधर से। तो भाई अब जो है इसमें गाइस पट्टी लगानी होगी इसमें जो कि इस तरीके की पट्टी होती है। Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish.